हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुहानू सारिआं नूं पंजाबी यूट्यूबर रूबलप्रीत लाइव पैशन दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। ये आपां रसोई दी सफाई कर रहे हाँ, कैबिनेट दी सफाई कर रहे हाँ। ये जदों आपां सब्जी बनाउंदे हाँ, रसोई दे विच कम करदे हाँ, जल्दी जल्दी तड़का लगाउंदे समें मसाले आ जिहड़े अपने, इन्हां नूं चिकनाई लग जाती है, जिवें कि घ्यो वगैरह तेल वाले हाथ लग जाते हैं जल्दी जल्दी विच, ते इधर उधर हो जाता है समान, ते कैबन भी साफ हो जाएंगे नाल दी नाल, ते मसाले जिहड़े मॉइस्चर छड़ जाते हैं वह भी आपां क्लीन कर देवांगे। ते ये आपां माचिस दीआं डब्बियां रखियां हुई ने मसालिआं दे विच, तां कि मसाले आ जिहड़े अपने वो खराब नहीं हुंदे हैगे, ते उदां उंज भी आपां यूज़ कर लैंदे हाँ। ये अपने पाउच आ जिहड़े पाउच दे विच रखे हुए ने मसाले, मसाले ये असी तां करके रखे ने विच क्योंकि खराब हो जाते ने ये। पहला असी कसूरी मेथी लियांदी सीगी जदों, ते उहनू सूंडी पै गई सी उहदे विच, असी इस करके बॉक्स दे विच इहनू नहीं चेंज कीता हैगा, असी पाउच दे विच ही रखदे हां। उदों दे साडा ये एक्सपीरियंस है कि खराब नहीं हुंदे हैगे पाउच दे विच, क्योंकि पाउडर वगैरह लगाया हुंदा है, ते दूसरा काफ़ी लौंग टाइम आपां रख सकदे हां। मेथे वगैरह जो भी आपां सरों वगैरह यूज़ करते हैं सब्जियों के विच, वो आपां इस तरह रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। ये अपना कैबन है जिहड़ा मसालिया वाला साफ करता मैं, ते ये देसी घ्यो भी असी इत्थे ही रखे हुआ है, ते ये स्पून ने फालतू फॉग बच्चों के मैगी वगैरह खाते ने, ते ये भी अपन ने एक साइड पर रखे हुए ने। मेरे को कलैक्शन बहुत ज़्यादा है बर्तना का, इस करके कुछ बर्तन असी रखे हुए ने इस तरह ही बाहर, फिर ज़्यादा चंगे नहीं लगते हैगे बर्तन, उन्ने के असी रखे हुए ने जिन्ने के सानू चाहिए होंगे ने, जदों कोई गेस्ट वगैरह आ जाते ने उदों असी फिर कढ़ लैने आ। एक साइड ते असी इस तरह रखे हुए ने। रसोई विच सफाई करन दा दूसरा ये भी फायदा हुंदा है आपां नूं कि आपां जो भी अपना समान हुंदा है ग्रोसरी दा, जिवें कि ये चाह पत्ती दा पैकेट निकल आया, तो असी चाह पत्ती होर लै आए, तो अपन नूं पता लग जाता है कि अपना किहड़ा समान खत्म होया है, तो किहड़ा लियाउण वाला है ग्रोसरी का। तो बेसन का पैकेट भी एक निकल आया सीगा, कई बार समान इधर उधर थल्ले दब जाता है तो अपन नूं पता नहीं लगता है। नमक भी पिया सीगा, तो नमक भी असी होर लै आए। एक्स्ट्रा समान वैसे तो काम आता है घर विच, जिमें कि हुण अचानक लॉकडाउन हो गया सीगा, ते दुकाना वगैरह बंद हो गई सीगियां, ते अपना समान होना चाहिए है घर दे विच स्टोर किया होया, थोड़ा ज़्यादा संभाल रखनी चाहिए है, ते फिर खराब नहीं हुंदा हैगा। जदों वेला टाइम हुंदा आपां नूं सफाई कर लेनी चाहीदी है थोड़ी थोड़ी करके, फिर ज़्यादा महसूस नहीं हुंदा हैगा, ते उदां भी पॉजिटिविटी बनी रहिंदी है। जदों किचन साफ हुंदी है तां किचन दे विच मन लगदा है, काम करन नूं भी दिल करदा है, जदों खलारा जिहा पिया हुंदा है तां फिर रसोई दे विच दिल नहीं करदा हैगा काम करन नूं भी। लेडीज़ दा ज़्यादा टाइम तां रसोई दे विच ही जांदा है। उंज तां आपां करदे रहिंदे हां, थोड़ी थोड़ी सफाई क्लीनिंग करदे रहिंदे हां, पर इस तरह कैबन वगैरह भी आपां नूं देख लेने चाहीदे आ 3-4 दिनों बाद, या वध तों वध आपां हफ्ते बाद देख सकदे हां, ते अपनी रसोई है जिहड़ी उथल पुथल बिल्कुल नहीं हुंदी हैगी। ये भी फालतू बर्तन ने साडे रखे हुए, ये बाउल्स ने रखी हुई अलग हलवा वास्ते, ये मसाले सीगे कुछ, पॉपकॉर्न का एक पैकेट निकल आया पाउच, नीचे दब जाते हैं इस तरह फिर पता नहीं लगता है। ये फालतू बर्तन ने बड़े बर्तन जोड़े इस तरह अपने रख देते हैं, काफ़ी स्पेस भी खुल जाती है जो आप सफाई करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जगह खुल जाती है, तो जो इधर उधर समान होया हों तो अपन जगह भी स्पेस भी घट लगती है, तो अपने आप स्पेस बन जाती है। ये दाला ने लॉकडाउन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਾਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ।
चलो जी बने रहो वीडियो के नाल, तो अगे आप रेसिपी भी तुहानू दिखावांगे। अपनी सैटिंग आ जिहड़ी हो रही है हौली हौली रसोई दे विच। हुण जी अपनी रसोई दे विच सैटिंग सारी हो गई, कैबन वगैरह अपने सारे मैं क्लीन करते सीगे उपरों भी, तो ये हुण आपां झाड़ू लगा रहे हैं किचन दे विच। ते झाड़ू लगाउण तो बाद आपां फिर पोचा लगा देवांगे, तो फिर अपना जिहड़ा रसोई दे विच खाणा बनाउण दा कम शुरू होना है। जदों अपने कोल वेला फ्री टाइम हुंदा है बहुत सारा, तो आपां नूं मौका हत्थों जाण नहीं देना चाहिए, आपां नूं किचन दे विच सफाई कर लेनी चाहिए है। किचन दे विच क्यों, आपां नूं बाकी रूम्स दे विच भी कर लेनी चाहिए। किचन दा शुरू हो गया प्रोसैस, तो हुण आपां किचन दे विच आ गए, एंटर हो गए। ये अपने प्याज ने, प्याज दो कट्टे ने बरीक, ते टमाटर ने दो तीन, ते मिर्चा ये भी बरीक कट ली है। ये बैंगन ने, कुछ फलियां ने, ये चार आलू ने, ये हैगे करेले, करेले अपने कट ले ने। इन्हां नूं कोई नमक वगैरह कुछ नहीं लगाया, आपां बिना नमक लगाए इस तरह ही बिल्कुल कड़वे नहीं होणगे, इस तरह ही बना के दिखावांगे तुहानूं मिक्स वेज। इस तरह आपां करेले मिक्स करके बैंगन आलू ते फलियां बनावांगे। ते ये हैगी है कुछ सरों लई है, ते जीरा है, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, ये लसण और अदरक का पेस्ट है। तेल आ जिहड़ा अपना गर्म हो गया कढ़ाई च, ते हुण आपां करदे आ शुरू। सब तो पहला आपां करेले तलांगे, थोड़ा जिहा आपां बैंगन जिहड़े कट्टे ने सब्जी इहदे विच आपां नमक पावांगे। इस दे नाल चंगी तरह जिहड़ी सब्जी है अपनी बैंगणा दी बिल्कुल क्लीन हो जूगी, साफ हो जूगी। तो आपां करेलिया दे विच नमक नहीं पाउणा हैगा, इस तरह ही आपां फ्राई करांगे इहनां नूं, ते इस तरह ही परफेक्ट सब्जी अपनी बन के तैयार होगी। ये सब्जी साढ़े गार्डन दे विच लगी हुई सी, कुछ लेडी फिंगर ते कुछ करेले सीगे, करेले बहुत सारे हो गए सीगे, ते बैंगन सी, इस करके असी सोचा कि चलो अज मिक्स वेज बनाउंदे आ। ये तेल आ जिहड़ा तुहानूं ज़्यादा दिख रहा है आपां ने बाद च कढ देना है, पहलां करेलिया वास्ते आपां नूं ज़्यादा चाहिए, इस करके मैं ज़्यादा लिया थोड़ा जिहा तेल, फ्राई हो जाणगे चंगी तरह। हुण अपने करेले आ जिहड़े फ्राई हो गए, ते आ देखो बिल्कुल लेडी फिंगर जिहड़ी भिंडी आ आपां ने पाई हुई, भिंडी तोरी वो भी बिल्कुल फ्राई हो गई, कोई लेस नहीं बननी हैगी। ते आपां अज मिठा भी नहीं ऐड करना, जिद्दां आपां शुगर ऐड कर दिंदे आ थोड़ी जी इहनां दी कड़कन कंट्रोल करन वास्ते, इस तरह ही आपां परफेक्ट सब्जी बनावांगे बिना शुगर तो ही, ते इन वधिया परफेक्ट सब्जी बन के तैयार होगी। सब तो पहले आपां ने सरों पाती, ते सरों नूं आपां ने चंगी तरह चटका लेना है। जीरा भुन लिया आपां ने, कड़ी पत्ता,
टमाटर ते मिर्चा आपां ने इकट्ठी ही पा लैणी है। लसन ते अदरक दा पेस्ट, सारिया चीजा नूं आपां ने रोस्ट कर लेना चंगी तरह। मसाले ऐड कर ले, मसाले नूं भी आपां ने चंगी तरह भुन लेना। सब्जी आपां ने स्टेनर दे विच पा के धो ली, दोबारा नमक पाया सी ते दोबारा दूसरे पानी च भी धो ली, ते हुण आपां सब्जी ऐड करांगे। हुण आपां ने मसाले जिहड़े चंगी तरह सब्जी मिक्स कर ली मसालिआं दे विच, ते हुण आपां ने की करना है, जिहड़े करेले ने आपां ने फ्राई कीते होए ने उह वो तो अद्धे कुक हो चुके हैं, इस करके आपां इह वाली सब्जी है ना इह पकावांगे भाफ दे नाल। इह करेले 5 मिनट पहला आपां इहदे विच मिक्स करांगे। हुण आपां करेले भी ऐड कर लैणे आ। आपने सब्जी के मिक्स कर लिया चंगी तरह, तो हूँ अपनी ये सब्जी है जी आपने मध्यम आँच पर पकानी है, गैस की जी आँच है वो आपने घट करती, तो 5-8 मिनट में बन के अपनी सब्जी तैयार हो जाएगी। सब्जी भी बन गई अपनी, तो रोटी भी अपनी तैयार हो गई। तो हूँ आप अपनी तैयार हो गई रोटी, तो हम आप रोटी देने हैं। आ जाओ फिर रोटी खाओ। पक्खा लगा लो, ठंडी हो जानी है रोटी फिर।